डेस्टिनेशन के लिए बड़ा प्यारा बना हुआ है। हेलो गाइस, तो वेलकम टू अनदर एडवेंचर। तो आज हम आए हुए हैं नजीबाबाद। नजीबाबाद से हम जाएंगे कोटद्वार। वैसे तो मेरा प्लान ऐसे ही रैंडमली बन जाता है, अगर आपकी कोई फरमाइश होगी भाई वहाँ जाओ तो कमेंट कर देना, नेक्स्ट टाइम मैं वहीं पे जाऊँगा। तो अभी हम ट्रेन से नजीबाबाद पहुँचे हैं और इसके आगे मेरे को पता नहीं है। जैसे एक नॉर्मल आदमी सफ़र करता है, नॉर्मल आदमी प्लानिंग करता है ना कि ऐसे ऐसे जाना है, वैसे वैसे जाना है, तो वैसे ही कुछ मेरी प्लानिंग है। देखते हैं कोटद्वार में कौन कौन सी प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, क्योंकि पहली बार आया हूँ तो इतना पता नहीं है, लेकिन पता करेंगे। ये वो ट्रेन थी जो लेट लतीफ़ थी, बहुत हल्के आई यार, बहुत ज़्यादा हल्के। बता रहे हैं यहाँ पे आगे कोई गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी या फिर ट्रेन होती है, वैसे मैं ट्रेन का सोचा था लेकिन वो ट्रेन निकल गई। यहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का देखेंगे, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलता है जैसे कि बस, ऑटो या कुछ भी। भैया मैक्स का कितना किराया लेते हैं? जैसा कि भैया ने मेरे को अभी बताया, मैक्स का 30 रुपये और बस का 40 रुपये। थोड़ी सी भूख लग रही है तो बिरयानी खा के जाऊँगा। ऐसी कंडीशन में जा रहे हैं भाई हम, 4-5 और आ जाएंगे। ये गाड़ी हमको 40 रुपये में मिली है। इस गाड़ी से हम अभी पहुंचे हैं। यहाँ से हमको पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए जहाँ पे हमें बुलेरो वाले ने छोड़ा। बहुत तेज चला रहा था यार बुलेरो वाले, रफ्तार मतलब कि भाई साहब रेल बना दी, इनने ऐसे ऐसे कट मारे। तो मेरे को ऑटो मिल चुका है सतपली के लिए। ये देखो पूरा ऑटो खाली है और हम बिल्कुल सीधा चल पड़े हैं अपनी डेस्टिनेशन के लिए। आपको कुछ ऐसा नज़ारा देखने के लिए मिलेगा, बहुत प्यारा नज़ारा है रास्ते का। ये देखिए, ये पहाड़ों में सबसे ज़्यादा खास बात ये है, नज़ारे मिलते हैं एक से एक बढ़कर, जो कि मन ही नहीं करता वहाँ से निकलने का। हम सतपली पहुँचने वाले हैं। एक गौ नदी जा रही है, पुल क्रॉस करके जस्ट आगे हमें यहाँ पे ऑटो वाले ने ये उतारा है। यहाँ से प्रसाद लेने के बाद जस्ट बराबर में एक गेट है जो सीधा सिद्धवली टेम्पल के लिए जाता है। थोड़ा बहुत आपको रास्ता दिखाऊंगा और ऊपर तक जाने का बताऊंगा कि कैसा रहता है ऊपर तक का एक्सपीरियंस और कितनी सीढ़ियाँ लगती है, ये भी गिनने की कोशिश करूँगा। तो ये हम प्रसाद लेके चल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये हम एंटर हो चुके हैं और यहाँ लिखा हुआ है आप CCTV कैमरे की नज़रों में हैं, लेकिन कैमरा मेरी नज़रों में नहीं है और यहाँ से बिल्कुल सीधा जाना है। तो चलते हैं फिर। तो हम सीढ़ियों पे चल रहे हैं, शायद उतरने का अलग है, वो हमें उतरते हुए पता चलेगा। ये नेक्स्ट सीढ़िया, यहाँ पे कैंटीन है, ये रही कैंटीन, लेकिन हमें अभी कैंटीन में कोई काम नहीं, हमें तो पहले दर्शन करने हैं, तो फिर चलते हैं थोड़ा आगे। लेकिन बहुत प्यारी सुविधा लग रही है यहाँ पे, मतलब कि देखने में नज़ारा बहुत प्यारा लग रहा है और सीढ़ियाँ भी बहुत साफ़ सुथरी, बिल्कुल मतलब एक बहुत प्यारा सा रास्ता लग रहा है मंदिर तक जाने का। आसपास में ऐसा कुछ देखने के लिए मिल रहा है। थोड़ा दूर चलने के बाद इधर पानी की सुविधा है, हाथ पैर धोने के लिए, और यहाँ पीने का पानी की फैसिलिटीज़ है। यहीं पे हमको नारियल तोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर हम नारियल तोड़ के चलते हैं आगे की तरफ। गुड़ और नारियल यहीं पर चढ़ाया जाएगा। टूट गया, टूट गया गाइस, एक बार में तोड़ा है, पानी नहीं निकला तुझसे। सबसे तगड़ी चीज़ देख रहे हो आप, मैंने एक बार तोड़ दिया और पानी नहीं निकला अभी। ये नारियल तोड़ने के बाद अब मैं जो जल निकलेगा वो चढ़ाऊंगा। तो अब और ऊपर चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं, सीढ़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और सामने ही टेंपल है। आसपास का नज़ारा बहुत प्यारा है, आप देख ही सकते हैं। नीचे वो जो रिवर के बारे में बताया था वो है, ऊपर टॉप में बिजली का खंभा लगा हुआ है और आसपास में पहाड़ है और प्लेन एरिया भी है नीचे, और सामने ये हमारे सिद्धवली हनुमान जी का मूर्ति, ये टेंपल का प्रांगण है, बड़ा प्यारा बना हुआ है। वाह, तो अभी हम प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं आसपास का और नज़ारा। प्रसाद चढ़ाने के बाद बाहर निकल के इतना प्यारा नज़ारा दिख रहा है, वाह। यहाँ पे ये जाल पता नहीं किस लिए लगा रखे हैं, मेरे को इतना नहीं पता, लेकिन आसपास चारों ओर से मंदिर को कवर किया हुआ है इन जालों से। यहाँ पे चुंदरी बांधने की प्रथा है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चुंदरी बंधी हुई है, तो हम भी चुंदरी बांध रहे हैं। यहाँ का इतना प्यारा नज़ारा है, ये देखिए आप, वाओ, ये देखिए वो। हमने सुना है यहाँ पे बहुत फेमस एक भंडारा है, यहाँ पे आपको हर टाइम भंडारा देखने को मिलता है, किसी भी टाइम आप आओगे तो आपको यहाँ पे भंडारा मिलेगा, एंड यहाँ के भंडारा बहुत फेमस है, वो हमें मिलता है तो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर के चारों ओर का नज़ारा, मंदिर की लेफ्ट साइड का व्यू है ये।
इसी तरह हम सीधे चलते हैं, थोड़ा सा आगे जाने के बाद मंदिर के सेंटर का दिखाते हैं। ये देखिए मंदिर के सेंटर का व्यू है। अब हम दिखाते हैं आपको मंदिर के राइट साइड का। और ये इसके जस्ट पीछे से निकल के यहाँ पे एक ब्लॉगर है, ब्लॉग कर रहे हैं। जाली पे चुन्नी ना बांधे। उतरने का रास्ता अलग है। ये नीचे पहुँचने के बाद थोड़ा सा यहाँ से खुला हुआ दिखता है बिल्कुल नज़ारा। ऊपर जाली लगी हुई है तो उससे नज़ारा थोड़ा धुंधला हो जाता है। यहाँ से बिल्कुल साफ व्यू आता है, बिल्कुल क्लियर, जहाँ तक देखो पहाड़ी पहाड़। अब हम इसके अंदर चलते हैं, क्या पता हमको यहाँ भंडारा मिल जाए। शिव जी की मूर्ति है। अब थोड़ा सा और आगे चलने के बाद पीपल देव और शनिदेव के दर्शन होते हैं यहाँ पे। हमने फाइंड कर लिया जिसकी हमें नीड थी। हमने भंडारा ढूंढ लिया। यहाँ पे जो भंडारा होता है उसका रास्ता इधर की तरफ है, तो हम चलते हैं भंडारे के लिए, देख के आते हैं यहाँ की व्यवस्था। और ये भंडारे का रास्ता है और यहाँ कुछ निर्देश हैं, इन्हें आप रोक के पढ़ लेना। चलते हैं आगे। पंखे की सुविधा है भाई यहाँ पे, वाह। लेकिन इस टाइम ठंडा मौसम है तो हमें नीड नहीं है पंखों की। आप यहाँ पे कभी भी आओगे, किसी भी टाइम आओगे तो आपको भंडारा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भंडारा ना मिले, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से भंडारा चलता हुआ आ रहा है और यहाँ के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, जो कि बहुत टाइम तक नहीं मिलती है लोगों को। इस टाइम तो मैंने सुना है 2025 तक की बुकिंग फुल है भंडारे वालों के। जिनको ये भंडारा कराना है वो 2025 के बाद की डेट मिलेगी उनको। ये ऐसे खा रहे हैं सब लोग भंडारा लेके। बाकी हम अंदर चलते हैं, हमको देखने मिलेगा। हमारे लिए तो रास्ता ही बंद कर दिया है, चलो थोड़ा इंतज़ार करते हैं। मेरे को लगा वही रास्ता, लेकिन रास्ता दूसरा है अंदर जाने का, तो हम दूसरे रास्ते से अंदर चलते हैं। ये मिल गया मेन रास्ता, तो हम चलते हैं अब अंदर। भंडारा दिखाएंगे आपको कैसा हो रहा है। आपको सिद्धवली टेम्पल के बारे में कुछ बताता हूँ। सिद्धवली ये बजरंग बली का टेम्पल है। यहाँ पे जो सिद्धस से चुन्नी बांधता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जैसी वो मनोकामना पूरी हो जाती है आपको यहाँ पे भंडारा करना पड़ता है। सिद्धवली बजरंग बली का टेम्पल है, जो सिद्धस से मांगता है उसे मिलता है।